अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने फिर से एक ब्लॉग में। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर हूँ और यहाँ जो है जो हमारे साथ दोस्त आए हुए हैं, ये मीनार जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी सबसे ऊपर जाने का मन कर रहा है दोस्तों का। तो इसमें जाने के लिए 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, तो टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं और फिर यहाँ से टिकट लेने के बाद आज इस मीनार में जो है ऊपर जाने वाले हैं और वहाँ से पूरी दिल्ली का और इस पूरी जामा मस्जिद का नज़ारा आप सभी को दिखाऊंगा। ये टिकट काउंटर है मेरे पीछे, यहाँ से भी टिकट लूँगा। पहले जो है मैं आपको जामा मस्जिद का अंदर से जो है मेहराब वगैरह दिखा देता हूँ। ऊपर जाने के लिए मीनार में दोस्तों अभी ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि मीनार का टिकट ले लिया है और बिल्कुल ऊपर वहां पर आपको अगर कुछ आदमी नजर आ रहे हो तो उनके पास चलते हैं, जहां से हमें लाल किला और पूरी दिल्ली का एक अच्छा। ये ऊपर जाने का जिन्ना है, ये आधा टिकट फाड़ दिया। और जामा मस्जिद के सामने जो बहुत ज़्यादा मशहूर बाज़ार है उसका नज़ारा भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये वो गली है जहाँ पर बहुत अच्छे खाने पीने और दूसरी कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है, वहाँ से जो दिल्ली का नज़ारा आपको दिखाएंगे। लो ये देखो गुफा है, तो एंट्री कर रहे हैं मीनार के अंदर और यहाँ से जामा मस्जिद का पूरा नज़ारा। अभी अच्छा त्रास में होता है, बहुत गोल गोल घूम के ऊपर जाना होगा, तो बड़ा ही टफ है। फाइनली दोस्तों यहाँ अभी मीनार के ऊपर पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद में और पूरा नज़ारा अब आपको यहाँ से दिखाएंगे नीचे का। ये नीचे जामा मस्जिद का वो हिस्सा जो भी आपको दिखाया था और वो पीछे अगर वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा तो लाल किला सामने मौजूद है और यहाँ पर अभी इस जीने से आओ ले लिया फोटो नीचे चल रहे हैं। बड़ा ही मुख्तसर सा जीना है और यहाँ आते जाते फंस भी जाते हैं। ये भाई आ रहे हैं और भाई साहब थक चुके हैं पूरी तरह से मीनार में ऊपर चढ़ चढ़ कर, तो अगर ताकत हो आप में तो तभी ऊपर आए, इसके अलावा आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और ये यहाँ से बाहर का नजारा आपको मिल जाएगा। ओ
जब ऊपर आ रहे थे तब इसमें लाइट नहीं जली हुई थी नीचे जाते हुए। पूरा मंजर आपके सामने। तो दोस्तों मीनार से बाहर आ चुके हैं और फिर से नीचे चलते हैं। ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा।